नमस्कार, मैं अमरधर लाल। आइए आज बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद गद एवं पद दोनों शैली में लिखी गई है। गद को यजुस कहा गया है। यजुस का अर्थ है यज्ञ। यजुर्वेद मूलतः कर्मकांड ग्रंथ है जिसमें मूल रूप से यज्ञ मंत्रों का संकलन है। यजुर्वेद से उत्तर वैदिक युग की राजनीतिक, धार्मिक एवं सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है। यजुर्वेद के उच्चारणकर्ता को अथर्वयुर कहा गया है। यजुर्वेद का अंतिम अध्याय ईशावास उपनिषद है जिसका संबंध आध्यात्मिक चिंतन से है। उपनिषदों में यह लघु उपनिषद आदिम माना जाता है क्योंकि इसे छोड़कर कोई भी अन्य उपनिषद संहिता का भाग नहीं है। यजुर्वेद के दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। इसके 40 अध्याय हैं, अनुवाक 328 है, वहीं मंत्रों की संख्या 2086 है। इसके भी मुख्य दो शाखाएं हैं, मध्य नदीन एवं कान्व। वहीं कृष्ण यजुर्वेद की बात करते हैं। कृष्ण यजुर्वेद को तैतरीय संहिता एवं आपस्तंभ संहिता भी कहते हैं। इसमें कांडों की संख्या 7 है, प्रपाठक की संख्या 44, वहीं अनुवाक की संख्या 631 है। अब बात करते हैं, पतंजलि ने इसमें इस यजुर्वेद के लगभग 100 शाखाओं का वर्णन किया है जिसमें हम लोगों के पास मात्र 5 ही उपलब्ध हैं, वाजसनेयी, तैतरीय, कट, कपिष्ठल एवं मैत्रेयायिनी। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने यजुर्वेद के बारे में जाना। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।